मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। दिमाग में एक बार डेटा चला गया तो वो डेटा कौन सा रोग पैदा करेगा ये आप नहीं जानते हैं, लेकिन डेटा रोग अवश्य ही पैदा करेगा। जो आपने बचपन से इस बॉक्स में डेटा भर लिया है वो आपकी इच्छा से नहीं भरा गया है, वो दूसरों की करामात है। सबसे पहले घर वाले डेटा भरते हैं, घर वालों के अंदर माता पिता, चाचा चाची, दादा परदादा, नाना नानी, जितने भी आपके पारिवारिक सदस्य हैं वो डेटा भरते हैं। उसके अलावा रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, वो कौन सी कसर छोड़ते हैं। तो परिवार जब डेटा भरता है तब इंसान मानसिक तौर पर कितना बीमार हो जाता है वो इंसान खुद नहीं जानता है। कई बार बीमार इंसान खुद को सही भी महसूस करता है, क्योंकि कुछ बिलीफ सिस्टम हमारे ऐसे हैं जो हमें बीमार मानने को देते ही नहीं है। तो एक ऐसा डेटा जिसने डिप्रेशन भी पैदा करना होता है, ओसीडी भी पैदा करनी होती है। तो डेटा डेटा ही है, अगर डेटा को ज्यादा सीरियस ले लिया और एंजाइटी हुई, घबराहट हुई, उसे अगर आपने कंपल्शन के द्वारा निकाला तो ओसीडी डेवलप हो जाएगी। अगर उसी डेटा को आपने ज्यादा वैल्यू दी और सोचते रहे तो वही ओवरथिंकिंग बन जाएगा और आगे जाकर के डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा ही कृष्णा के साथ हुआ, कृष्णा के दिमाग में भी डेटा चला गया और उसी डेटा ने उन्हें मानसिक तौर पर बीमार कर दिया। हाँ जी कृष्णा जी, शुरुआत कैसे हुई, कैसे डेटा आपके मन में गया? सर जी 2018 की बात है। हाँ हाँ। तो मैं, सर्दी पड़ती है तो गांव में अलाव जलता है, बिल्कुल, तो मैं वही हाथ मतलब सेंक रहा था, तो चाचा जी खड़े थे हमारे और पड़ोसी भी खड़े थे, तो चाचा ने बोला जब मैं बैठा था तो तुम्हारे बाल लाल की बहुत झड़ गए हैं। अच्छा। हाँ, तो उसी दौरान मुझे उस टाइम घबराहट पैदा हुई। हाँ हाँ, मतलब सोच जो होती है ना, क्योंकि शरीर में जो सबसे ज्यादा प्रिय लगता है, हाँ, उसी से मतलब ओसीडी डेवलप होती है। बिल्कुल, ये तो आप समझ गए। हाँ, तो हमें बालों से तो खैर प्यार था, कुछ ज्यादा ही प्यार। तो मैं सोचता रहा, ये एकदम सीरियस हुआ मैं, और डर भी पैदा हुआ बहुत भयंकर तरीके से। तो मैं वहां से तुरंत उठा, तो तुरंत घर पे जाके मतलब ड्रेसिंग टेबल से एक छोटा सा शीशा उठाया और पीछे मतलब देखते रहे कि कहां चाचा ने बोला था कि यार रियल में ऐसा है। तो मुझे जब उन्होंने कह दिया तो मुझे भी लगा ठीक है, क्योंकि भौंरी होती है, भले ही उन्होंने कह दिया कि दूसरे को लग रहा है तो मुझे भी रियल लगा जी। हाँ, तो उस बात को मैं उसी रात को मतलब मैं सो भी नहीं पाया। हाँ, और इतनी मतलब धड़कन भी मेरी तेज हो गई, डर भी आया और गुस्सा भी आया। तो ये सर्कल चलता रहा, समथिंग आज हो गए 2023 चल रही है, 2018 की बात है, 5 साल पूरे हो चुके हैं, समथिंग 5.5 भी हो गए होंगे जहां तक, क्योंकि वो एक अंदाज होता है कि 2018 की बात है, हो सकता है लास्ट 17 की हो। तो ये सब चलता रहा, तो यही फिर मुझे कंपल्सन करने को मजबूर किया, मतलब तो डेली मैं छोटा शीशा से पीछे की तरफ मतलब उसके क्या बोलते हैं ड्रेसिंग टेबल की तरफ उसको देखता रहा, पीछे बालों की कंडीशन। तो यही सब चलता रहा, उसके बाद में ओवर थिंकिंग आने लगी, नींद चली गई हमारी, नींद भी जैसे दिन में पहले सो लेते थे, रात में तो ऐसे ही 10, 11, 12, 1, 2, 2 भी बज जाते थे सर। बिल्कुल। तो नींद नहीं आती थी, और घर वाले कुछ कह देते हैं तो चिड़चिड़ापन रहता है उनके ऊपर, क्या मतलब कुछ भी उल्टा सीधा बोल दें, क्योंकि ये बीमारी ऐसी होती है जो पता नहीं चलता है कि क्या बोल रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, और किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है। एक दो बार मैं बाहर भी गया हूँ, जब मैं संगठन से जिलाध्यक्ष नहीं था तो एक दो बार मैं बाहर भी गया हूँ, क्योंकि घर की कंडीशन थोड़ी खराब थी, पिताजी ने मतलब 3 भाई हैं, सिस्टर है नहीं,
तो इतना बड़ा किया और पढ़ाया लिखाया तीनों लोगों को, तो घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, तो इस कारण मैं बाहर भी गया। अभी हुआ होगा समथिंग 7-8 महीने पहले की बात है, मैं बाहर भी गया, अच्छा तो वहां पे भी ये मान के चलो कि घुटन महसूस, समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, इधर से उधर खाना से लेके कुछ भी चीज अच्छी नहीं लगती थी। 8 घंटे की ड्यूटी थी वहां बिल्कुल। SIS सिक्योरिटी में, अच्छा हाँ, तो उसमें लगी थी किले पे ड्यूटी आगरा, अच्छा हाँ, तो मैंने मुश्किल से की होगी 1 महीने, 1 महीने में भी कम था, मतलब 24 दिन, अच्छा तो मैं आ गया घर पे, तो मम्मी पापा बोले पता नहीं क्या हो गया इसको, इसका कहीं मन नहीं लगता है। तो पापा मम्मी ने कहा कि हम बिजनेस करवा देंगे, क्योंकि प्लॉट व्लॉट पड़े हैं हमारे, जितनी खेती में थे सब वो प्लॉटिंग में आ गई है, अच्छा तो हमने कहा हम बिजनेस करेंगे पापा, हम नौकरी नहीं करेंगे। हाँ हाँ, तब तक यहाँ संगठन से जिलाध्यक्ष हो गए, तो ये है 1,000-1,500 रुपए डेली पैदा कर लेते हैं हम। बहुत बढ़िया। हाँ, जैसे कोई मैटर एंटर मिल गया कोई तंगड़ा, तो कहो 50,000 हो जाए, जैसे हाँ कोई गरीब आदमी का काम वाम नहीं है, कोई हाँ हाँ आपस में नहीं लड़ जाते हैं, तो वो हाँ उसमें बिल्कुल। निपटवाओ जाके थाने अच्छा में जाके। हाँ, और लेखपाल जो सेक्रेटरी होता है अपने हाँ यहाँ का, हाँ जैसे हाँ किसी की खेती नपनी है, तो हाँ वो इसके चक्कर में रहते हैं, हाँ जब तक दोगे नहीं तब तक काम नहीं करेंगे। और मैं फोन कर देता हूँ फलाने संगठन से जिलाध्यक्ष बोल रहे हैं, भाजपा की सरकार चल रही है, हाँ तो हम तो ऐसे हैं, अब जैसा यहाँ पे जो चल रहा है माहौल बिल्कुल। उसी में ढल जाते हैं, हमें क्या हाँ करना है, किसी की भी सत्ता हो, हाँ हाँ अपना काम होना चाहिए। तो ऐसे हमारा चल रहा है रूटीन। तो अब हमने बिजनेस डालने की सोचा है, अगर अच्छा हम ये बीमारी से पीड़ित रहे तो जिंदगी का मजा तो ले ही नहीं पाएंगे, और हाँ ना ले जिंदगी पा तो रहे हम। कल को शादी भी करेंगे बिल्कुल। हैं, तो बीवी भी छोड़ के चली जाएगी ऐसे। हम वो कितने दिन देखेगी। हाँ, तो इससे अच्छा है कि, तो मैंने सोचा कि भाई भगवत गीता का कोर्स, आपका वीडियो देखा, मुझे काफी थोड़ा समझ में आया, दिमाग में लगा कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ। एक बार मैंने कोर्स लिया तो मुझे ये मान के चलो 25-30% आराम मिला, क्योंकि हाँ अंदर से एक घमासान हुआ वो वीडियो देख के जो हाँ भगवत गीता हाँ में डाले हैं सर आपने, बिल्कुल। तो उसमें मुझे लगा कि हाँ जब मैं 30% तक पहुंच सकता हूं तो मैं 100% भी ठीक हो सकता हूँ। एकदम राइट। हाँ, क्योंकि इतना हौसला जब मेरा जगा, पहले हाँ तो ये भी नहीं लगता था कि मैं ठीक हो जाऊंगा। भगवत गीता में एक ऐसा रहस्य है हाँ वो जो रियल है वो उसमें बताया जो आपने बताया, और जो टीवी सीरियल में आते हैं ये तो ओवर एक्टिंग दिखाते हैं। हाँ ये तो व्यू बटोरने का तरीका हाँ है। हाँ हाँ और जितने ये पंडित हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम किसी की जाति बाति से बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये जो अपना अलग से ज्ञान बांटते हैं ये सब फेक है। ये पंडित ज्ञान बांटते हैं वो है तो फेक, वो ही डाटा हाँ डालते हाँ हैं। वो ही डाटा डालते हैं। हाँ अब बहुत से होते हैं कि चलो हाथ दिखाने चलते हैं, लड़की होगी या लड़का होगा, हाँ पंडित खुद नहीं जानते हमारे लड़का होगा कि लड़की होगी, वो क्या बताएंगे। बस बेवकूफ दूसरे हैं तो हाँ पंडित हमें ठगते नहीं, हम खुद पंडितों को ठगाते हैं। हाँ ठगाते हैं, हाँ तो इसमें गलती हमारी ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे मंदिर में बैठे हुए हैं पुजारी उजारी, तो वो हाँ सब लूट रहे हैं, काम क्या है उनका। उनका जो धंधा है वो लूट का ही हाँ है। बस, तो और कुछ तो है नहीं। बस ये डेटा ही था आपके अंदर जिसने इतना बड़ा रोग पैदा किया। जी, और काफी मैंने एक चीज देखा है सर कि दुनिया में जैसे 100% लोग हैं, तो उसमें से नेगेटिव होंगे कम से कम 70% या 75 होंगे, क्योंकि हाँ 10-20% होंगे जो वो मतलब तुम्हें हौसला बढ़ाएंगे तुम्हारा और सही सही बात करेंगे। हाँ ज्यादातर हाँ इंसान अपने चश्मे से देखता है, हाँ जो खुद असफल हो गया वो सफलता की बात कर नहीं पाता है, बिल्कुल। उसे अब सफलता मैंने बेईमानी कहा कि लगती है। मैं जो ट्रक नहीं उतरते हैं मोहरम हाँ गिट्टी और हाँ सीमेंट और सरिया रिया के जो, अच्छा अच्छा हाँ वो है, 3-4 में मैं बिजनेस डालूंगा, तो एक अच्छा बोला चल जाएगा तुम्हारा यहाँ, हमने की जब मार्केट में गए चलेगा क्यों नहीं, हमने, हमारा तो व्यवहार बहुत अच्छा है, मेरे पिताजी टीचर हैं, प्राइवेट हाँ स्कूल में पढ़ाते हैं, कोचिंग भी पढ़ाते हैं, तो व्यवहार दोनों लोगों का है तो वो काम नहीं आएगा क्या। आएगा बिल्कुल आएगा, हाँ, व्यवहार ही तो अब बिजनेस तुमने चलाता है। पहले ही देखो कह दिया है कि वो चलेगा नहीं। वो बंदा खुद की बात कर रहा है, हाँ आपको नहीं कह रहा, वो खुद को कह रहा है कि बिल्कुल मैं करूंगा तो मैं नहीं चला सकता।
जी तो वो बात अपनी आपको ही कह रहा है, वो आपको जानता नहीं। आप हो सकता है कि नंबर वन बिजनेस खड़ा कर दो, हाँ इटावा का क्या अपने इंडिया का नंबर वन हो सकता है। बिल्कुल, तो कोई जानता है जिन्होंने क्या? बिजनेस खड़े किए हैं वो भी शुरुआत में, तो उनको भी लोगों ने कहा था कि तुम नहीं चला सकते, लेकिन सही बात, कोशिश करना तो इंसान के हाथ में है, कर्म इंसान के हाथ में है, फल तो है ही नहीं। आप बिजनेस करो, बिजनेस करने में आपको मजा है, आप बेहतरीन सर्विस दो, बस मेहनत बिजनेस चलेगा ही करते जाएं, वो चलेगा। तो रिजल्ट की इच्छा ना करें। बस बस, कृष्ण यही तो गीता में कह के गए हैं भी, मेहनत और कर्म हमारे हाथ में है। अगर कर्म हमने पूरी शिद्दत से किया है, पूरे मनोयोग से कर्म किया है, तो उसका बेहतरीन रिजल्ट मिलना ही परिणाम मिलना मिलता है। ही है, सही बात। हाँ, अगर हम आधे अधूरे मन से कर्म करेंगे या फल के ऊपर ही ध्यान रखेंगे कि पता नहीं बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, फायदा हाँ, हो फायदा हो, तो अपने वो ही मन कर्म से। छूट जाएगा। हाँ हाँ, सही बात तो वो कर्म नहीं हो पाएगा, और जी, जब कर्म ही नहीं हुआ तो फिर नुकसान ही होना है। नुकसान ही होना। बस यही साइकोलॉजी है जिसको आपने ध्यान में रखना है। तो बिजनेस आप कोई भी करो वही सफल हो जाएगा, अगर आपका लक्ष्य कर्म करना है तब। अगर पैसे कमाना लक्ष्य है फिर ना पैसे कमा पाओगे ना आपके फिर। साथ भी तो ऐसे ही हुआ था, हाँ, आपने वीडियो सबके में साथ। बताया है। हाँ, मैं बहुत बार ऐसा ही बताता हूँ, जब फल पे निगाह होगी ना फिर उस कोई असफलता ही कुछ आनी कहता है। रहे। हाँ, फल पर निगाह होगी तो दुख ही आएगा, क्योंकि हमेशा फल मिलता नहीं है। सही बात। जैसे ओम प्रकाश जी चार प्रकार की साइकोलॉजी बताते हैं कि आप कर्म करो और फल मिले, ऐसा हमेशा नहीं होता। आपने जिंदगी में बहुत से कर्म ऐसे किए होंगे जिनका फल नहीं मिला, सही बात है वो। और कर्म करो और फल ना मिले, ऐसा हमेशा नहीं होता। कर्म कर दो और फल ना मिले, क्या हमेशा ऐसा होता है? कर्म करोगे तो फल तो मिलेगा, हाँ एक आध की बार की बात अलग हाँ है कि नहीं भाई। मिलता। हाँ और आप कर्म भी ना करो और फल भी ना मिले, क्या ऐसा होता है? ऐसा हमेशा ऐसा नहीं होता। नहीं, कई बार कुछ फल ऐसे मिल जाते हैं जो कर्म ही नहीं किया था। और आप कर्म ना करो और फल मिल जाए, ऐसा भी हुआ है ना हाँ कि कई बार ऐसा हुआ कि आपने कुछ नहीं किया और फल मिल गया। हाँ हो जाता है कभी कभी। हाँ, और आपने कर्म भी नहीं किया, फल भी नहीं मिलेगा अब कई। जैसे रास्ते में 500 का नोट पड़ा है और तुम हाँ, बाइक से जा रहे, बिना कर्म किए मिल गया। क्या क्या कर्म किया हाँ, मतलब। और आप कर्म भी ना करो और फल भी ना मिले, तो हाँ ये भी हमेशा नहीं होता। जी, अब देखिए, तो अब देखिए बेस्ट साइकोलॉजी कौन सी हुई? बेस्ट साइकोलॉजी एक ही है कि कर्म में डूब जाएं, कर्म शिद्दत से करें। क्योंकि अगर कर्म नहीं किया और फल मिल गया, और कर्म किया ही नहीं और फल भी नहीं मिला, तो आपके मन में गिल्ट रह जाएगा। अगर हमने कर्म नहीं किया तो मन में पछतावा रह जाएगा कि हाँ काश मैं कर्म तो कर लेता, काश मैं कर लेता। अभी आपकी उम्र 25 साल है, 45 साल के बाद आपको लगेगा कि काश मैं बिजनेस कर लेता। हाँ तो आज मैं बहुत बड़ा आदमी होता। हाँ, तो वो मन में गिल्ट रह जाएगा ना, जी तो उस गिल्ट को पैदा ही ना होने दें, इसके लिए कर्म बेहतरीन तरीके से कर दें। विक्रम करो, मरना सर, तभी। ये बीमारी इतनी भयंकर है, इसमें तुम्हारी एज 25 हो गई, अगर इससे हाँ, जूझते रहे तो बिल्कुल, कहो तुम 30 के लगन लगो। वो तो है हाँ ना, मन से इंसान मर बूढ़ा होता जाता है, है बूढ़ा होता है, मन से शरीर मूवी। से बूढ़ा नहीं होता। कुछ बूढ़े भी जवान होते हैं और कुछ जवान भी बूढ़े होते हैं। बिल्कुल जो दुखी है, परेशान है, नेगेटिव बंदा है, नेगेटिव इंसान हमेशा बूढ़ा मिलेगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, और जो पॉजिटिव है, शरीर उसका बूढ़ा हो सकता है लेकिन मन से वो जवान है। तो जवानी और बुढ़ापे का संबंध किससे है? मन से मन से है। तो शरीर के ऊपर तो हमारा अधिकार नहीं है, ये शरीर तो 100 साल 80 साल में जाना ही जाना हाँ है। जाना है। भी ये शरीर प्रकृति के नियमों के अधीन है। भी जब छोटे थे तो बच्चे थे तो छोटा शरीर था, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, किशोरावस्था, फिर हाँ, बुढ़ापे फिर तक, वो जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर ये ढांचा वो हाँ डला अलग है। गिर जाएगा। हाँ ये तो कुदरत का नियम है, आपके होना ही वीडियो सब होना। देखते हैं यूट्यूब हाँ पे, और उस पे भगवत गीता में तो देखा ही है। हाँ आपके वीडियो यूट्यूब के अलावा हम आपके अलावा किसी के नहीं देखते, लाइक भी करते हैं हम। हाँ हाँ आते हैं, को कमेंट नहीं करते बस। हाँ हाँ हाँ
कमेंट भी किया करेंगे अब। हाँ कोई बात नहीं, जो बात अच्छी लगे वो बात लिखनी है। ठीक ठीक, भी कमेंट कई लोग करते हैं कि बेस्ट है, चलो वो भी अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता, अभी कम से कम पॉजिटिव कमेंट तो करते हैं, लेकिन चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दिया था। हाँ कई बार क्या होता है कि आपको कोई भी बात बेस्ट लगी, जो बातें मन को छू जाती हैं, तो उन बातों को कमेंट में लिखना सबसे बेहतर होता है, ताकि वो बातें आपके मन में भी पक्की हो जाएं। जैसे डिप्रेशन से कई लोग जूझ रहे हैं, हाँ। तो उसमें लिख देंगे भगवत गीता इज द बेस्ट थेरेपी। हाँ हाँ, जो आपको बेस्ट लगी चीजें, हाँ हाँ, आपको क्या इससे लाभ मिला वो लिखना है, वो लिखना है। हाँ अभी मन क्या फील कर रहा है, अभी सुकून सा मिल रहा है। हाँ तो वो डाटा कहाँ है, भाग गया भाग गया, तो उसको गाली निकाल के पास में रखो कि आजा साले कुत्ते कमीने डाटा आजा। हाँ मैं तो गंजा हो रहा हूँ, मैं तो टकला हो रहा हूँ। अब आप ना पूरे मनोयोग से ये रिपीट करें कि मैं टकला हो रहा हूँ, मैं गंजा हो रहा हूँ, फिर भी मन ये कहेगा नहीं 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 ये फर्जी बात है, बुरी सही है। तो फिर वो, आप ठीक हो गए ना, फिर पहले आप सीरियस ले लेते थे, घबरा जाते थे, अब विचार आ रहा है लेकिन घबरा नहीं रहे, पहले वो फंसा हुआ था। हाँ फंसा हुआ था ना, फंसा हुआ इंसान हमेशा मारा जाता है। उसी प्रकार मन में विचार फंस गया तो इंसान मारा जाएगा। जी, जी। जैसे मछलियों को फंसा करके लोग खाना बनाते हैं ना, हाँ, पकड़ते खा जाते हैं, उसी प्रकार मन में विचार फंस गया तो भी आप पकड़े गए, फिर रोग पकड़ता है, फिर रोग खा जाता है, तो डिप्रेशन ओसीडी बन जाता है वो। हाँ तो वो विचारों का फंसना ही है, किसी का नुकसान हो गया तो वो नुकसान के ऊपर अटक गया, किसी की बीवी भाग गई वो उसके ऊपर अटक गया, किसी का ब्रेकअप हो गया वो वहीं अटक गया, तो अटकना ही जिंदगी में बीमारी है। आप आगे बढ़ जाएं, अटके ना, तो अभी आप उन विचारों को फिर से बुलाओ, पूरा एकदम रोल बनाओ, आ जाओ ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारों, आ जाओ मैं तुम्हें देख रहा हूं, मतलब मन मन में बोले ना, जोर से बोलो, जोर से बोलोगे तो वो जुबान के माध्यम से पूरे शरीर से निकल जाएंगे, मन खाली हो जाएगा। हाँ कि मैं टकला हो रहा हूँ, गंजा हो रहा हूँ, पूरी मेज देखो कि यहाँ से मेरे सारे बाल उड़ गए हैं, मैं पूरी तरह से गंजा होता जा रहा हूँ, बोलो ओसीडी वाले विचारों। हाँ मतलब गाली दे सकते हैं? हाँ गाली दो, पूरी तरह से गाली दो, कैसे अगर, हाँ कैसी भी अगर कुछ ऐसी गाली हुई जो बोले लायक नहीं है तो वो मैं टू कर दूंगा, हाँ वो म्यूट कर दूंगा। ओसीडी वाले विचारों, मादर मादर छोद आ जाओ ओसीडी, मैं देख रहा हूँ मैं पूरा गंजा हो रहा हूँ। हाँ बोलते मेरे पूछ तू मतलब पीछे आगे के पूरे बाल चले गए हैं। हाँ मैं टकला हो रहा हूँ, फड़ ले आके। हाँ मैं तो बस इसी ऐसे ही मैं जीऊंगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया, आ जाओ ओसीडी वाले विचारों, मैं तुम्हारी पूरा बुलाओ, पूरा बुलाते रहो, मैं टकला हो रहा हूँ, मैं पूरा टकला हो गया हूँ, जो तुझे उखाड़ना है उखाड़ ले आके, आ जाओ ओसीडी वाले विचारों, आ जाओ जो कुछ तुझे देखना है देख ले आके, मैं टकला हूँ टकला ही रहूंगा, तुझे जो खाड़ना है उखाड़ ले आके। वेरी गुड वेरी गुड, आ जाओ ओसीडी वाले विचारों, अब कहाँ गए, बार तुम आते थे ना, अब फंसो आके मन में, बिल्कुल हमारी माँ बहन एक करते हैं। वेरी गुड, मैं देख रहा हूँ जितने विचार हो सब, आ जाओ मैं आगे से भी टकला हो गया पीछे से भी हो गया, और जो खाड़ना है उखाड़ ले आके, मैं तुझसे अब डरने वाला नहीं हूँ, अब तक तूने मेरे मजे लिए अब मैं तुम्हारे मजे लूंगा, ओसीडी वाले विचारों आ जाओ। मैं देख रहा हूं एक साथ आ जाओ, अपने साथियों को भी लेके आओ, और मेरे मन में फंसो आके, अब थोड़ा रिलीफ मिला, और गाली निकालो पूरी जोर से कि सालों कुत्तों कमीनों आ जाओ ओसीडी वाले कुत्ते कमीनों ओसीडी वाले पूरा बुलाओ उनके। हाँ मैं गंजा हो रहा हूँ, गंजा हो गया हूँ, जो तुझे उखाड़ना है उखाड़ ले आके, पहले वर्तमान में बोलो कि मैं गंजा हो रहा हूँ, मैं टकला हो रहा हूँ, पूरा टकला हो रहा हूँ टाइम की स्थिति में। हाँ प्रेजेंट की, और लड़कियां मुझे देख करके हंस रही है, लड़कियां मुझे रोडूमल कह रही है, टकला कह रही है, और कह रही है कि टकले से कौन शादी करने वाला है, इसे तो कंवारा ही रहेगा, पूरा बोलो मैं तो पूरा टकला हो रहा हूँ, लड़कियां मुझे देख के, लड़के और लड़कियां मुझे देख के हंस रहे हैं, मैं शादी के लायक नहीं हूँ, मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, और मैं पूरा टकला हो गया हूँ, माधर चौधरी ओसीडी वाले विचारों सबके सब आ जाओ एक साथ, आ जाओ हो रहा हूँ, हाँ मैं पूरा टकला हो रहा हूँ, जो भी तुझे उखाड़ना है उखाड़ ले आके, पूरी तरीके से मैं टकला हो गया हूँ, जब तक तू अपने साथियों को भी लेके आ और खुद भी आ, मैं पूरा टकला हो रहा हूँ, हाँ वेरी जो तुझे उखाड़ना है उखाड़ ले आके,
मैं जिंदगी भर ऐसे ही टकला ही रहूंगा। हाँ मैं टकला ही पहले रह बहुत जाऊंगा। विचार आते मैं पहले बहुत विचार आते थे ना, अब एक साथ आ जाओ मादरसूद, मैं देख रहा हूं मैं पूरा टकला हो रहा हूं, आगे से भी, साइड से, पीछे, आगे पीछे, हर जगह बस से, बिल्कुल मेरे शरीर से सारे बाल जा रहे हैं। सारे सारे बाल जा रहे हमारे शरीर से, मैं पूरा गंजा हो रहा हूं। वेरी गुड वेरी गुड, बोलते रहो बोलते रहो। मादरसूद तूने मेरी जिंदगी झंड कर दी है 5 साल से, 5 साल से तू मेरे मजे ले रहा है, मैं तेरे वो सीढ़ी मजे लूंगा। आ जाओ वो सीढ़ी हाँ वाले बिचारो जितने वो मादर चो, तो सब आ जाओ, बिल्कुल मैं देख रहा हूं मेरे पूरे बाल झड़ गए हैं और मैं इसी टकलेपन में ही रहूंगा। हाँ, मैं जहां जाऊंगा मैं तुम लोगों को बुलाऊंगा, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जो भी करूंगा, खाना खाऊंगा या बाइक चलाऊं या फिर रिश्तेदारी में जाऊं या कहीं भी जाऊं, मैं तुमको बुलाऊंगा। वो सीढ़ी वाले बिचारो तुम्हारी हम माँ बहन एक करेंगे, मैं ये कर रहा हूँ। मैं एक कर रहा हूं। अब सिर से बोझ उतर हाँ गया। अब इसे पास्ट में बोल दो कि मैं टकला हो चुका हूं, लोग मेरे को गालियां दे चुके हैं, लो मैं टकला नंबर वन, मैं मैं टकला नंबर वन, बिल्कुल टकला, मेरे मैं शरीर पर कहीं कोई पूरा बाल टकला हो गया हूं, हो चुका हूं। पूरा हो चुका हूं, हाँ सारे बाल जा चुके, सारे अब बाल जा चुके, मेरी आंखों के भी बाल जा चुके हैं, आंखों के भी बाल चले सारे गए, मूंछों के भी चले गए, दाढ़ी के भी सारा चले गए, सारे मैं बाल जा चुके पूरा हैं, शरीर के मेरे सारे बाल खत्म हो गए। बिल्कुल खत्म हो चुके हाँ हैं, तुझे मैं वो टकला सीढ़ी हो वाले चुका हूं। विचार, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं पूरा गंजा हो गया हूँ, सब लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। वेरी गुड, हाँ मूछ भी साफ हो गई हमारी और दाढ़ी भी साफ हो गई और सिर के बाल तो एक भी नहीं बचे। बिल्कुल अब आ जाओ, कहाँ हो, भाग क्यों रहे हो, एक साथ आओ, सबकी माँ छूते, आओ। एक भी नहीं आ रहा, अब बुलाओ बुलाओ, फिर से बुलाओ। आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, सीढ़ी वाले बेचारो तुम्हारी माँ बहन एक करते हैं, मैं पूरा गंजा हो रहा हूं, पूरा हो गया हूं। लड़कियां मेरे बारे में हंसी कर रही हैं, एक दूसरे से बात कर रही हैं, लड़के भी मजाक बना रहे हैं और सब लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, और मैं बाइक से जा रहा हूँ या 4 व्हीलर से भी जा रहा हूँ तो सब लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं, वो देखो टकला जा रहा है। हाँ मैं हाँ रियल में हाँ ही हो गया टकला, हाँ मैं रियल में जो ही जो टकला कुछ हो उखाड़ना चुका है हूँ। उखाड़ ले आके, रियल में हो चुका हूँ, पूरा हो चुका हूँ, पूरा एक एक मतलब एक भी बाल नहीं बचा है मेरे सिर पे, और मेरी सेब मुंह चूंच और शरीर में छाती आती में एक भी बाल नहीं बचे हुए हैं। आप कहाँ गए वो सीढ़ी वाले बेचारो, सबके सब आओ फिर आओ, मैं देख रहा हूं, मैं सामना करूंगा। वेरी गुड वेरी गुड, बोलते तो जाओ। निकल हाँ रहे सब हाँ निकलने तो बुलाते रहो। आ जाओ सीढ़ी वाले बेचारो मादर चो, तो सबके सब आ जाओ, मैं पूरा गंजा हो रहा हूं। अब कहाँ गए, अब कहाँ छिपे हो घुसपैठियों, जल्दी जल्दी आओ सबके सब, पहले मेरे मन में फंसते थे ना, डराते थे, अब मैं खुद कह रहा हूं मैं पूरा गंजा हो गया, हो रहा हूं हो रहा हूं ये बोलना है ना, और हो चुका हूं। हो चुका हूं, हो रहा हूं, हाँ हो रहा हूं मतलब हो चुका हूं, हाँ बस फ्यूचर में नहीं, पास्ट और प्रेजेंट में, पास्ट और जो प्रेजेंट में। पहला चला गया है, हाँ पास्ट जो प्रेजेंट चला अभी चल गया। रहा है, हाँ हाँ मैं पूरा हो चुका हूं, पूरा टकला हो चुका हूं, और जिसने भी ओसीडी दी उसकी तो माँ बहन एक करते हैं, हाँ भले ही उसको भी खूब गालियां निकाल दो वो से। खुद बीमार आदमी है, अब हाँ दादी बीमार लगती है तो आदमी वो तो बीमारी उनको खिलाएगा गाली देंगे तो क्या पाप लगेगा ना, कोई पाप नहीं लगेगा। आप देखो भिखारी भीख वही नहीं मांगेगा तो क्या करेगा, तो तो भिखारी भीख ही दे सकता है और क्या देगा। तो इसी उसका प्रकार भी, उसकी भी माँ बहन एक करते हैं, उसका भी पुतला शाम को हम जलाएंगे, ओसीडी को बिल्कुल खत्म करके जाएंगे यहां से, उसकी माँ बहन एक करेंगे। आ जाओ वो सीढ़ी वाले बेचारो, जो कुछ उखाड़ना है उखाड़ ले आके, मैं टकला ही हो चुका हूं, तुझे बिल्कुल जो उखाड़ना है उखाड़ ले आके, मैं जिंदगी भर इस टकलेपन में ही जीऊंगा। आ वेरी जाओ वो गुड, सीढ़ी वाले बेचारो, मैं देख रहा हूं मैं पूरा टकला हो चुका हूं, आ जाओ वो सीढ़ी वाले बेचारो, मैं पूरा टकला हो चुका हूं, आ जाओ वो सीढ़ी वाले बेचारो, मैं पूरा टकला हो चुका हूं। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग, इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है
तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब, भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक फायदे अनेक, आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।